इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह की फजल से ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको फ्रेजेज एंड क्लॉजेज का यूजेज पार्ट नंबर 1 का ई जूज पढ़ाने जा रहा हूँ, एडजेक्टिव क्लॉजेज। हमने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में एडजेक्टिव फ्रेजेज पढ़े थे, आज हम फ्रेजेज से क्लॉजेज बनाएंगे। तो क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है तो एक क्लॉज बनता है, और कुछ मेजर क्लॉजेस होते हैं और कुछ माइनर होते हैं, तो ये हमें पहचानने होंगे। अभी हम एडजेक्टिव क्लॉजेस बनाएंगे और उनको सेंटेंसेस में अटैच करेंगे। तो किस तरह से होगा, देखें, ऑफ ग्रेट वेल्थ ये एक फ्रेज है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको हम क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आई नो द पर्सन हु हैज़ अ ग्रेट वेल्थ। तो यहाँ पे हु हैज़ अ ग्रेट वेल्थ ये क्लॉज है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसका ये हु सब्जेक्ट है और हैज़ जो है वो वर्ब है, यानी प्रेडिकेट है, तो ये एक क्लॉज बन गया। आई नो द पर्सन, मैं उस शख्स को जानता हूँ हु हैज़ अ ग्रेट वेल्थ, जिसके पास बहुत दौलत है। नेक्स्ट है ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी बड़ी कुव्वत वाला, ये फ्रेज है, इसको क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा कि द पीपल हु हैड अ ग्रेट स्ट्रेंथ वन द बैटल्स। तो यहाँ पे हु हैड अ ग्रेट स्ट्रेंथ ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ऐसे क्लॉजेस को जो एडजेक्टिव क्लॉजेस हों तो हम एडजेक्टिव से रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे द पीपल दैट मीन्स स्ट्रांग पीपल वन द बैटल्स। तो द पीपल हु हैड ग्रेट स्ट्रेंथ, इसका मतलब है स्ट्रांग पीपल, जो मजबूत लोग थे, ताकत वाले लोग थे। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि विथ और ऑफ नो सेंस, यानी जिसमें कोई समझ ना हो या जिसमें कोई मफहूम ना हो। तो क्लॉज किस तरह से होगा, दे स्पोक द वर्ड्स विच हैड नो सेंस, उन्होंने अल्फाज बोले जिनका कोई मफहूम नहीं था। तो यहाँ पे विच हैड नो सेंस ये जो है ये क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये सबॉर्डिनेट क्लॉज ही होता है, क्योंकि जो भी नॉन क्लॉजेज हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं या एडवर्बियल जो क्लॉजेज होते हैं वो सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं और वो मेन क्लॉजेज के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है कि विथ और ऑफ अ गुड सेंस, यानी अच्छे मफहूम वाला। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, द पीपल हु हैड अ गुड सेंस अंडरस्टूड द मैटर, वो लोग जिनके पास अच्छी समझ थी, जिनको अच्छी समझ थी वो मामले को समझ गए। तो हु हैड अ गुड सेंस ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द सेंसिबल पीपल अंडरस्टूड द मैटर, जो समझदार लोग थे उन्होंने मामले को समझा। तो हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं एडजेक्टिव इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है विथ और ऑफ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यानी बहुत सारी खुशी वाला। तो कोई ऐसा वाक्या जो बहुत सारी खुशी वाला हो तो हम कैसे बनाएंगे, वी इन्जॉयड द इवनिंग विच हैड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यानी हमने उस शाम से लुत्फानंदोज़ हुए, हमने खुशी मनाई। विच हैड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें बहुत सारी खुशी थी। तो विच हैड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अगर इसको हम शॉर्ट करेंगे तो वी इन्जॉयड द हैप्पी इवनिंग, दी हैप्पी इवनिंग, तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विथ बैड टेम्पर, यानी बुरे टेम्पर के साथ, इसका मतलब है गुस्से के साथ। तो क्लॉज कैसे बनेगा, वी डू नॉट लाइक द पीपल हु हैव अ बैड टेम्पर। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट भी यूज़ किया और वर्ब भी यूज़ किया, क्लॉज भी यूज यानी प्रेडिकेट भी यूज़ किया, तो ये क्लॉज बन गया। सो हु हैव अ बैड टेम्पर, यानी जिनका टेम्पर ख़राब है, इसका मतलब है जिन जो गुस्से वाले हैं। वी डू नॉट लाइक द पीपल, हम ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते, हु हैव अ बैड टेम्पर, जो गुस्से वाले हैं, तो यहाँ पे ये क्लॉज बन गया। नेक्स्ट है विथ और ऑफ अ ग्रेट स्पीड, यानी बड़ी स्पीड वाले या बड़ी स्पीड वाली। तो क्लॉज कैसे बनेगा, दे ट्रेवल बाय द ट्रेन्स विच रन विद अ ग्रेट स्पीड। तो विच रन विद अ ग्रेट स्पीड ये क्लॉज है।
तो अगर इसको हम शॉर्ट करें, दे ट्रेवल बाय द स्पीडी ट्रेंड्स, तो वो तेज़ जो ट्रेंड्स हैं उनके ज़रिए सफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब भी यूज़ किया, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। नेक्स्ट है कि कवर्ड विथ मड, यानी मिट्टी से ढके हुए जुमला है। दे लिव इन द हाउसेज दैट आर कवर्ड विथ मड, दैट आर कवर्ड विथ मड, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर हम कहें कि दे लिव इन द मडी हाउसेज, तो हमने इसको एडजेक्टिव से रिप्लेस कर दिया इस क्लॉज को, तो ये शॉर्ट भी हो सकता है। जब प्रेसी राइटिंग में ऐसी एक्सरसाइज हो तो प्रेसी में क्या करते हैं, हम क्लॉजेज और फ्रेजेज को शॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेड ऑफ ग्लास, यानी शीशे का बना हुआ, मेड ऑफ ग्लास ये फ्रेज है। इसको क्लॉज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, द न्यूज़ कास्टर्स सिट इन द कैबिन्स दैट आर मेड ऑफ ग्लास, यानी खबरें नशर करने वाले लोग कैबिन्स में बैठते हैं और वो शीशे की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये मेड ऑफ ग्लास यानी शीशे की बनी हुई, दैट आर मेड ऑफ ग्लास, तो दैट आर मेड ऑफ ग्लास यानी दैट इसका सब्जेक्ट है, आर मेड ऑफ ग्लास, और ये क्लॉज बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है फुल ऑफ डर्ट, यानी मिट्टी वाला या मिट्टी वाले। दे स्टूड इन द स्ट्रीट विच हैड अ लॉट ऑफ डर्ट, वो उस गली में खड़े हुए जिसमें बहुत सारी मिट्टी थी। तो यहाँ पे विच हैड अ लॉट ऑफ डर्ट, ये क्लॉज हो गया। इसमें ये विच सब्जेक्ट है और हैड इसका वर्ब है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है कि प्लेस ऑफ हॉरर, यानी खौफनाक जगह, खौफ वाली जगह। ही लिव्ड एट द प्लेस दैट और विच वॉज फुल ऑफ हॉरर, वो ऐसी जगह पे रहा जो खौफ से भरी हुई थी यानी खौफनाक थी। तो यहाँ पे ये दैट और विच वॉज फुल ऑफ हॉरर, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एडजेक्टिव से, जैसे ही लिव्ड एट द हॉरिबल प्लेस। नेक्स्ट है कि रूम विद डार्कनेस, यानी अंधेरे वाला कमरा। ही लिव्ड इन द रूम दैट और विच हैड डार्कनेस, तो यहाँ पे दैट और विच हैड डार्कनेस, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको हम एडजेक्टिव से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ही लिव्ड इन द डार्क रूम, यानी वो अंधेरे वाले कमरे में रहता था। नेक्स्ट है अ बेड विथ फ्लावर्स, यानी फूलों वाला बिस्तर। ही स्लेप्ट ऑन द बेड विच हैड फ्लावर्स, वो उस बिस्तर पर सोया जिस पे फूल थे। इसका मतलब है कि विच हैड फ्लावर्स, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी वर्ब होता है, और इसको हम एडजेक्टिव से रिप्लेस भी कर सकते हैं जब हम शॉर्ट करें। जब प्रेसी राइटिंग हो तो हम क्लॉजेज और फ्रेजेस को शॉर्टन करते हैं, यानी शॉर्ट करते हैं। सो विच हैड फ्लावर्स, इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं एडजेक्टिव से, ही स्लेप्ट ऑन द फ्लावरी बेड, तो फ्लावरी हो गया। आई थिंक दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video.